तो ये जो हम देख रहे हैं वो उसका भूत है क्या? मेरा मना रखने के लिए ना कुछ भी बोल रही है तू। नहीं नहीं मामा जी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि यो बात आप अपने तक ही रखोगे, तो मैं आपको एक सीक्रेट बता सकती हूँ। ना तेरे मेरे बीच की बात तेरे मेरे बीच ही रहेगी ना, फिर भी तू कह रही है तो प्रॉमिस कर लेता। गॉड प्रॉमिस। तुम्हारी बहन की आंखों में लेजर लगा हुआ है क्या? शक हो गया है उसे, मैं बोल रहा हूं। चलो। पापा को पता चल जाता तो वो सबकी खुशियों में भांजी मार देते। इसका मतलब सुशीला रोहतक में रहकर फंडिंग का इंतजाम कर रही है और तू यहाँ रह के भी शॉप हासिल करने में लगी है। हाँ मामा जी, पर कुछ खास हो ना पा रहा है। वो क्या है ना, एक तो हम छोड़ आए, ऊपर से ना आए तो बैंक वालों को ये बात हजम ही ना हो रही है, तो लोन क्या देंगे। मैं समझ सकता हूँ बेटा, अब देखना कुछ सालों पहले तक मैं भी गरीब ही था ना, बैंकों ने बड़े धक्के मार के निकाले हैं मुझे, पर आज देखो रोज सुबह बैंक का फोन आता है, वो लोन देना चाहते हैं, मैं लोन लेना नहीं चाहता। एक बेटा मेरे सामने शर्माइयो ना, जो दिल में है ना वो बेझिझक कह दे। ओ मामा जी, मैं पहले आपको बोलना चाहती थी, पर मामा जी शायद आपकी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अरे ये क्या बात हो गई, और सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प क्यों, मैं तो सारी मदद करने को तैयार हूँ बेटा। हम अपने बच्चों की मदद ना करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, पर एक बात है बेटा, ये हमारी आपस की बात ना, हमारे बीच ही रहनी चाहिए, गुरुजी को इन्वॉल्व करने की जरूरत ना है इसमें। बिल्कुल मामा जी, हम सबको पता ही है पापा जी का गुस्सा। सही बात है। अच्छा फिर बेटा एक काम करते, अभी तक तुम दोनों ने जो जो भी किया है वो सब बता दे मुझे, मतलब कौन से बैंक में कागज कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कितना देने को तैयार है, दुकान की बात कहाँ तक पहुँची, और कोई पेपर वगैरह हो रहा हो तो मुझे बता दे। क्या है बेटा, देख सामने कोई भी हो, कागज सही तो सब सही, अब मैं हूँ तो तुम दोनों को ठोकर तो नहीं खाने दे सकता ना है? और बेटा सब कुछ मेरे से चेक करा के ही करना, किसी भी पेपर पर मेरे पढ़े बिना एक भी सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। गुरु जी के साथ तो ना चिल्ड मिल के शेक भी फूक फूक कर पीना पड़ता है, किसी के अंतर मन में के द्वंद चल रहा है, के फाइट चल रही है, समझना नहीं चाहते, झट से घनश्याम से घनसु बना देते हैं। छोड़ इस गुरु पुराण को, नहीं तो खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। तू सुशीला से बात तो करा, देखो तो मेरी फेवरेट भांजी रोहतक में के मस्ती कर रही है। आजा बात करते हैं। चलिए। हाँ बहन। अब वो धमकी पाल कहीं तंग तो ना कर रहा? तू कहूँ तो मैं। रे सुशीला के बात कर रही गुरुजी के लिए? वो मामा जी। अरे सुशीला कोई बात नहीं, मामा जी को सब पता है कि तू रोहतक में है। सॉरी मामा जी, वो मेरा आने का मन तो बड़ा था, लेकिन वैसे आपने रिसोर्ट तो बहुत ही फैंटास्टिक बनाया है। पर अपने ड्रीम शॉप के चक्कर में आना सकी। कोई ना मैं सब समझता हूँ, जब ड्रीम पीछे पड़ते है ना तो कुछ नहीं सोचता, न मामा न मामा की बेटी की सगाई। आपको ड्रीम शॉप का भी पता है? पता भी है और वो हेल्प करने को भी रेडी है। हेल्प कह के ना पराया ना करो, तुम दोनों गुरु जी की छोरियां हो मेरे, जैसे अजित तू मेरे लिए वैसे तुम दोनों, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू। चलो आप दोनों खुश हो जाओ। गरिमा बेटा मुझे जल्दी से पेपर भिजवा दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है जी। चलो बाय बाय सुशीला। दुकान के पेपर ना बहन, ये दुकान के पेपर है कहाँ, हमारे हाथ तो ना लगे, और ये रोहतक से जज्जर कैसे पहुँचेंगे? अग्नि को बोला है, वो जगत के साथ 10 बजे की मीटिंग फिक्स कर रहा है, देखते हैं वन स्टेप एट अ टाइम। वाह बहन, तू तो जज्जर जाके एकदम ही सुपर एक्टिव हो गए है, मनी भी रेज कर लिया और दुकान के लिए मीटिंग भी फिक्स कर ली। अबे ना बस गुरु दक्षिणा वापस लेने के लिए ना कुछ तो प्लान सोच ले बस, फिर तो हमारी नाव निकल गई समझ। वही सोच रही हूँ। अच्छा सुन, मुझे एक और काम निपटाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। देख अंशु, तू यहाँ बैठ के चाय पी रहा है, मैं तुझे पूरे रिसॉर्ट में ढूंढ रहा हूँ। आओ ना गुरु जी चाय पियो। अरे भाई गुरु जी के लिए चाय लेके आओ। अरे गरिमा सुशीला ने क्या कहा? तुम जाओ बैठो तो, बताता हूँ ना। पता बैठो तो आके पहले आओ इधर। ये जो आपका ना प्रोफेशनल एटीट्यूड है ना, कभी कभी बड़ा दुख देता है गुरुजी। सीधे पॉइंट पे आ जाते हो। बिजनेस इज पीपल मैनेजमेंट गुरुजी, यहाँ वहाँ की थोड़ी इधर उधर की बातें करनी पड़ती है। आप एक बार बोल के देखो, घनश्याम यू आर द बेस्ट,
फिर देखो मैं कैसे बताता हूँ कि गरिमा और सुशीला क्या कह रही थी। यहाँ मेरे दिल में हलचल मची हुई है, मन जानने को आतुर हो रहा है, और तू बिना बात के बतंगड़ बना। एक बार बोल के तो देखो क्या मिरेकल होता है। मैं गुरुजी मैं कैसी न्यूज लेके आया हूँ ना कि आपको यकीन भी हो जाएगा कि घनश्याम इज द बेस्ट। पर क्या है गुरुजी की एक बार बोलने से पहले ना मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर न्यूज क्या है गुरु जी? बोलो घनश्याम। घनश्याम You are The best news बता। अब आपको याद हो गया ना, तब सारा वाक्य एक साथ बोलो। घनश्याम you are the best, बता ना भाई। मजा नहीं आया गुरुजी। फीलिंग के साथ, भावना के साथ बोलो ना। ना तू रहने दे, मैं खुद ही पता करता हूँ गरिमा सुशीला से। गरिमा से तो पता कर लोगे गुरुजी, पर सुशीला से किस तरह पता करोगे? गुरुजी आपकी दूसरी बेटी सुशीला काटेलाल रोहेल, जो गरिमा से सिर्फ 4 मिनट छोटी है, वो तो रोहतक में ही है। आप लोगों के साथ झज्जर ना आई है। सुशीला कहाँ है? वॉशरूम पापा, वॉशरूम गए। हम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? अब छोटी बच्ची थोड़ी आ जाएगी। कहाँ हो सुशीला? जब से आए हैं दिखाई ना दे रही। मैंने मम्मी, मम्मी के साथ होगी। अरे रे, मेरी बच्ची का सर दर्द से फटा जा रहा है। करण का कमरा कौन सा है? कौन करण? वो जो वेटर है ना यहाँ, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये अच्छा, ये नया चूजा, लिफ्ट का दूसरा या तीसरा कमरा? ठीक है। मेरी पूरी की पूरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली मुझे उल्लू बना रही है। ना ना गुरुजी, चंचल को तो पता भी ना इस बात का, वो भी आप की तरह अनजान है। हाँ, बाकी गरिमा पुट्टू और कुसुम भाभी को सबको मालूम। पर क्यों? और वो सुशीला अकेली रोहतक में क्या कर रही है? दुकान के लोन के लिए ट्राई कर रही थी, पर बैंक ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। बैंक से लोन? ये छोरिया बावड़ी हो गई क्या? अभी तो पहला ही लोन। ये दुकान का इंतजाम हो गया क्या? होया तो ना है गुरुजी, पर छोरी कॉन्फिडेंट लग रही थी, कह रही थी कि सब हो जाएगा, मैंने सारी गोटियां फिट कर दी है। कौन सी गोटियां, कौन सी दुकान? कौन हाथी बाजार में है जो मेरे खिलाफ जाकर मेरी छोरियों की मदद कर रहा है? वो भी पता लग जाएगा गुरुजी, पता लग जाएगा। मैंने छोरियों को भरोसा दिला दिया है कि मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब सारे कागज पत्र मेरे पास आ जाएंगे, राज खुल जाएगा। जहाँ आपने इतना सबर किया गुरुजी, थोड़ा सबर और कर लो, तब पता लग जाएगा। छोरी वहाँ रोहतक में अकेली है, तू कह रहा है सबर रखो? और ये गरिमा पता नहीं किससे दुकान का सौदा कर रही, ना ये छोरियां जानती ना है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, यहाँ एक से एक काले कारनामे करने वाले लोग बैठे हैं, तो छोरियां तो खाबो ख्यालों में भी ना सो सकती। ना 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 गुरुजी, आप ना बिना बात के परेशान हो रहे हो। घोड़े अभी अस्तबल में हैं, कुछ ना हुआ है और हम कुछ होने भी ना देंगे। मैंने अभी के अभी गरिमा से बात करनी है, सामने बिठा के दो टू बात करनी है। ये सब गलत हो रहा है। सब रख दिया ना? हाँ सब कुछ है। क्या है बहन, और तुम दोनों के बीच चल के रहा है? कोई भी एक्सक्यूजेस देने से पहले सोच लेना, मैंने तुम दोनों को हक करते हुए देख लिया है। और तुम, उस वक्त मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुम उसका जवाब हकलाते हुए दे रहे थे। करण, ऐसा नहीं है, मैं नर्वस हो गया था थोड़ा सा। मतलब नर्वस होने वाली बात तो है ना? फिर
क्या तुम सचमुच के वेटर हो या फिर यहाँ पे रितु के चक्कर में तुम? नहीं नहीं, मैं वेटर ही हूँ। और आप कुछ मुंह से फूटेंगे रितु जी? एंगेजमेंट होने वाली है तेरी, तू यहाँ वेटर के साथ, आई मीन तुम दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देख रहे हो, छुप छुप के मिल रहे हो, व्हाई? तुम्हारे तो कंपनी में फोन करके मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, इसलिए सच बताना, पुलिस में भी कॉन्टेक्ट है मेरे। गरिमा दीदी, गरिमा दीदी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो आपका पीछा करते करते आ गया। नाउ आई ऑल्सो बिकेम प्रो लाइक यू। मैं इनकी टीम में ना जेम्स बॉन्ड बना हूँ। हमेशा झूठ बोलना इज नॉट पॉसिबल। गरिमा दीदी, आई आस्क वन क्वेश्चन, आई फाउंड थीफ, प्लीज प्लीज आई बेग ऑफ यू, प्लीज पूछ। यस सुशीला दीदी इज नॉट हियर, पूछ ना। Yes, so I ask you, son, you both answer together. Huh? When I count, you both answer. Done? In which company Karan works? 3, 2, 1. Bad services. Yes. See, I catch the thief. अरे झूठ बोलने से पहले ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। How I do in front of mummy? She ask, I full plan. तू चुप कर। Sorry, sir. रितु, तू बता, क्या चल रहा है? Thief? पुत्तू, तुम दोनों जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं? देख, अगर तू नहीं बताएगी ना तो ये बैग बता देगा। तुम दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हो ना? ओह माय गॉड, एक्सक्लूसिव फॉर गॉड पुत्तूस, एंड यस स्टोरी में ट्विस्ट। बुक्स तुम दोनों इनका क्या करने वाले हो? अरे रुको गुरुजी, अरे गुरुजी रुको तो सही, गुरुजी मेरी बात तो सुनो, रुको। अभी जो मैंने आपको बताया है वो खुद गरिमा और सुशीला ने मुझे बताया है। क्यों? क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करने लगी। अब अगर आपने गरिमा से जाके जवाब, वो तुझे आगे से बात न करेगी और हमें उनके बड़े प्लान का पता ना चलेगा। इतनी समझ है मने, आज ना पैदा हुआ और ये बात बात पर ज्ञान मत दे मने। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मने लग गया कि अभी आप जाके गरिमा को, खैर आपको किसी से बात करनी हो या डांट डपट करनी हो ना तो पहले मुझसे मशवरा कर लेना, और अगर गरिमा से डायरेक्ट पूछ लिया तो इसके आगे की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जानी है। पता तो मैंने करना पड़ेगा, सब कुछ खच्चर कर खंसू के भरोसे ना छोड़ सकता। अरे क्या करूं इन चोरियों का, दुकान के चक्कर में ऐसी सांड हुई जा रही है जैसे कोई लाल कपड़ा देख लिया हो। एक तो बिन बताए सासना आई, रोहतक में ही रह गई, और ये गरिमा, जी कर रहा है उसको यहीं बुला के उसकी क्लास ले लो। अभी कुसुम से बात करता हूं। और इससे तो बातचीत बंद है। वो बैड बुद्धि की तबीयत कैसी है? ना कहीं इन्हें शक तो ना हो गया? कुछ भी करके इन्हें छोरियों से दूर रखना है, वरना ये तो गरिमा की क्लास ले लेंगे। क्या कुछ पूछा मैंने? ना अगर मुझसे बात करनी है तो सीधे सीधे मुझसे बात करो, सुशीला के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत ना है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने स्क्वैश ट्राई किया? ब्लैकबेरी और आका बाजू का है, एकदम ना एक्सोटिक फ्रूट है ये। कैसे अजीब अजीब से नाम है ना, बोलते बोलते मेरे तो जिम में अंडे आ गए भाई। अरे जी जी, आप ट्राई करके देखो ना, मेरे तो ना टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा इनका। ना ना, मुझे तो इनके नाम से डर लग रहा है, मैं ना ट्राई करती। आप ट्राई कर लो ना। वो क्या है ना कि घनश्याम भाई साहब ने ब्लैकबेरी मंगाया न्यूजीलैंड से और आकावाड़ो मंगाया अमेरिका से, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई। और मेरा अपना आकावाड़ो हो रहा है, तू शरबत पीने की बात कर रही है? खुद तो मेरे भाई के रिजॉर्ट में मजे उड़ा रहे हैं और पुत्तू के पापा को भेज दिया काम से। अगर वो यहाँ होते ना
अभी स्क्वैश में से ब्लैकबेरी और अकावाडो ना अलग अलग कर देते। ऐसे नाम किसने रखा इनका? कुसुम से बातचीत बंद करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा करता हूँ, गरिमा से डायरेक्ट बात करता हूँ। घनसु ठीक ही कह रहा था, अगर इनके बड़े प्लान के बारे में पता लगाना हो तो इनके खेल से अनजान ही बने रहना होगा। अरे पर सुशीला वहां अकेली है बैड बुद्धि। छोरियों का बाप होना कोई आसान काम ना है, वो भी छोरियां ऐसी मेरी छोरियों जैसी। वो तो अच्छा है मैं काठ जी हूं, कोई कमजोर दिल का बाप होता ना तो अब तक तो। ऐसा करता हूँ सुशीला को ही फोन लगा देता हूँ ना, और उसको मेरी आवाज पे शक हो गया तो। अरे छोटा हड्डी से भी तो रिश्ता तोड़ चुका हूँ, किसको फोन लगाओ? अवतार, चुन्नी, अग्नि। अग्नि को। ना ये मूंगफली भी ना गजब कातिल चीज है, एक से मन ही ना भरता। हेलो, ससुर जी ने बिना बात किए फोन काट दिया। कहीं गरिमा जी तो ना कर रही थी अपने पापा के फोन से? इंस्पेक्टर साहब, वो गलती से लग गया था फोन। ऐसा आपको लगता है धर्मपाल जी, पर इस यूनिवर्स में जब भी कुछ होता है ना उसकी एक वजह होती है, तो इस गलती से भी मिस्टेक की जरूर कोई ना कोई वजह है धर्मपाल जी। जैसे ये वजह हो सकती है? जैसे कि आप मन में मिस कर रहे होंगे और आपको पता भी ना चला कि आपकी उंगलियां कब आपके फोन तक गई और मेरा नंबर डायल हो गया। धर्मपाल जी, सेरेंडिपिटी कहते हैं इसे। कह तो दिया गलती से लग गया। चलो ठीक है, आप बड़े बुजुर्ग हो, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ मैं। पर धर्मपाल जी, ना कम में ना ज्यादा समझ लेता है अग्नि। आपकी आवाज में ना मन ने परेशानी सी सुनाई दे रही है। गरिमा जी ठीक तो है ना? मेरा मतलब सब ठीक तो हो आप लोग ना? आप हो तो मैं आ जाता हूँ जब अभी कभी। रोहतक पुलिस हमेशा एट योर सर्विस। ना ना, आप वहीं रुको, आप घर संभालो। घर का ध्यान तो धर्मपाल जी। हेलो, काट दिया? ये सब लोग ऐसे करते हैं, गरिमा जी मेरे मुंह पे फोन काट देती हूँ ना। ना मिस तो कर रहे होंगे, बस बोल ना रे। ना नेचर ने पुरुष को ऐसे ही बनाया है, सब कुछ जब्त कर लेता है। अब मन नहीं देख लो, मैं अभी गरिमा जी के प्यार को जब्त करके बैठा हूं। पर परेशान तो लग रहे थे धर्मपाल जी। नागनी 10 बज गए, ससुर जी की बातों को बाद में डिकोड कर लेंगे, अब गरिमा जी की डील का टाइम हो रहा है। भाई वो तो काफी टफ सब्जेक्ट लागे दिखे। रीतु दीदी स्टडिंग टफ स्टडी है। इस ओनली बुक्स, नो क्लोथ्स, नो ज्वेलरी। ना पी पाक जय वाला प्लान तो ना है ना? मैं तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, IPS, IAS। पर तू ये बुक्स इस वेटर को क्यों दे रही है? क्योंकि दी, मैंने अपने सपनों का सेक्रिफाइस कर दिया, अब मेरे लिए ये बुक्स रख दिए। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब तेरा ड्रीम है ये, तू गिव अप मार रही है? इट्स वेरी टफ, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ पाऊंगी। अगर मैं एग्जाम दे भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं फॉर सम 150 सीट्स, राइट? पर तुझे सेटिस्फेक्शन तो होगा कि तूने ट्राई किया है। अरे अपने ड्रीम्स को चेस करने से अच्छी बात और लाइफ में क्या हो सकती है बहन? और मजा जर्नी का है, डेस्टिनेशन का नहीं। और गारंटी, लाइफ में किस बात की गारंटी होती है बहन? होती है दी, अगर मैं उस लंदन वाले लड़के के साथ शादी कर लेती हूँ तो गारंटी है ना कि मेरी आगे की लाइफ कंफर्टेबल और हैप्पीली गुजरेगी। अच्छा, कौन सी पेंटिंग कहाँ लगानी है, लंच या डिनर में बैंगन का भरता बनेगा या भरवा करेला, इस बात को तू कंफर्ट और हैप्पीनेस कह रही है? कैसी 80s वाली लड़कियों की तरह बात कर रही है तू? अरे तेरे तो पापा भी सपोर्टिव है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे पापा पे ऐसे कमेंट करने वाले?
माचिस, इन दोनों में से एक माचिस है, द अनदर वन इज मैचस्टिक। दोनों को रगड़ोगे ना तो देयर विल बी फायर। मूव। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अच्छा, अब तो बिल्ली मारनी पड़ेगी। इन दोनों का सच हमारे सामने पेश होकर ही रहेगा। तुम इससे प्यार करते हो? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.